Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course Studies of Playgroup to Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness classes and DIY activities. Now the next topic is characteristics of partnership. That what are the characteristics or features of a partnership form of business organization. The very first is formation, means कैसे बनता है partnership business. The partnership is governed under the Indian Partnership Act 1932. Partnership Act कब हुआ था? I have told you Partnership Act कब हुआ था? 1932 में. तो जितने भी पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं उनको कौन गवर्न करता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932. इट इज फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट. पार्टनरशिप क्या होता है? एग्रीमेंट आपस में होता है, दो या दो से ज्यादा लोग. वो एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ओरली फॉर्म में भी हो सकता है, बट बेटर यही होता है कि हम पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो है वो रिटन फॉर्म में करें. द सेकेंड वन इज मेंबरशिप. द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप इज 2. मिनिमम कितने मेंबर होना चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए? भाई 2. और मैक्सिमम एज पर द रूल 10 ऑफ कंपनी रूल 2014, the maximum number of partners can be 50. के 50 maximum partners हो सकते हैं partnership में. Minimum 2 और as per the rule 10 of company rule 2014, maximum कितनी fix करी गई है partners की numbers? 50. The third one is unlimited liability. The partners of the firm, जो भी पार्टनर्स होंगे पार्टनरशिप के, उनकी लायबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड. जैसा कि हमने कल कोऑपरेटिव सोसाइटी में पढ़ा था कि जो मेंबर्स होंगे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, पर पार्टनरशिप में मेंबर्स की या पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड. इट मींस दैट देयर पर्सनल असेट्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर री पेइंग ऑफ डेट ऑफ द बिजनेस. मान लीजिए बिजनेस के ऊपर कोई उधार है और बिजनेस को लॉस हुआ तो बिजनेस को पे करना पड़ेंगे अपने डेब्ट सारे. तो जो पार्टनर्स हैं उनके पर्सनल एसेट्स, उनके जो पर्सनल घर के एसेट्स होंगे वो भी उनको यूज करना पड़ेंगे टू पे द अमाउंट ऑफ डेब्ट ऑफ बिजनेस. द फोर्थ वन इज कंट्रोल. द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पार्टनरशिप लाइज इन द हैंड ऑफ ऑल पार्टनर. सारे पार्टनर के हाथ में मैनेजमेंट और कंट्रोल होगा. All decision are taken with the consent of all partners. जितने decision लिए जाएंगे वो सबसे आपस में discuss कर with the consent of all partners लिए जाते हैं. The fifth one is risk and profit sharing ratio. The partners jointly bear the risk of the business. Means जो भी risk loss होगा वो आपस में share करेंगे and also share the profit in their agreed profit sharing ratio. मान लीजिए कि तीन पार्टनर हैं, ए बी सी. इन्होंने अपना रेशियो रखा 2:3:2:1. सो द टोटल ऑफ रेशियो इज 3+2+1 इज 6. नाउ मान लेते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 60,000 का, तो ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 60,000 इंटू ए का शेयर कितना? 3. और टोटल रेशियो का सम कितना? 6. तो जब हम फाइंड करेंगे तो 30,000 ए को मिल जाएगा. सिमिलरली बी का फाइंड कर लेंगे 60,000 इंटू 2/6 20,000. सिमिलरली सी का फाइंड कर लेंगे 60,000 इंटू 1/6 10,000. सो ऑल रिस्क मीन्स लॉस एंड प्रॉफिट आर डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. The next one is continuity. The partnership comes to an end with the retirement, death,
इनसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर। मान लीजिए कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो है पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अगर जो मान लीजिए एबीसी थे उसमें से ए की डेथ हो गई, बीसी बचे तो पार्टनरशिप एंड हो गई। बट अगर बीसी कंटिन्यू करना चाहते हैं बिजनेस को तो उन्हें दोबारा से एक नया एग्रीमेंट पार्टनरशिप का बनाना पड़ेगा। द नेक्स्ट लास्ट वन इज रजिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी बट नेसेसरी। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का कंपल्सरी नहीं है बट नेसेसरी, ठीक है। अगर हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं पार्टनरशिप का तो ये बेटर रहेगा बट कंपल्सरी, कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि हम इसको रजिस्टर्ड कराएं। सो दीज आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सो मच। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।